अगर इफ द चार्ज स्रोत पे वाय q इज इक्वल टू 11 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 5 I is equal to what and G is equal to 1 sir. 11 T के बाद क्या लेके आए हैं 11 T? 7. Power 7. Power 7. हाँ. यहाँ पे कौन फंडा लगाएंगे? ये बात कहे करता है. So much. I is equal to dQ by dT. उसका 11 इंटू टू की पावर 7 प्लस 7 इंटू टू की पावर 4 अब प्लस 5 अपाय डी जी अब पता ऋतिक ऋतिक 11 कांस्टेंट है 11 पीछे आ गया यस सर वेरिएबल के साथ है 11 पीछे आ गया टी 7 का कितना होगा टी 6 हो जाएगा 7 पीछे आएगा 105 पांच 7 पीछे आएगा और की पावर 6 ये 7 कांस्टेंट है ऋतिक जी 4 का कितना होगा 5 की तू क्या समझ रहा है खड़ा हो खड़ा हो जब तक समझेगा नहीं तो तेरे खड़ा हो कितना होगा सती का पावर 3 होगा ना हैं मुस्कान कितना होगा बैठ 4 पावर पीछे आ जाएगा जी लिखेंगे उस पावर में से एक काम कर एक काम कर हम इस लोग जब मैथ पढ़ाते हैं पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है कोई प्लस बनाने का ऋतिक 5 का कितना हुआ पीछे कहां वेरिएबल आई है नहीं है जीरो होना चाहिए जीरो अगर अकेला है कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा तो कितना हुआ I इक्वल टू 77 की पावर 6 28 पावर क्यू अब क्या बोल रहा है एक्स टी इक्वल टू 1 सेकंड टी इक्वल टू 1 सेकंड आई इक्वल टू हो गया 77 बैठ जा तो 177 प्लस 28 817 तक मैं ये 817 में 10 के सब 5 है मुझे किसका आया है सब 5 है मुझे रेजर है वेरी हाँ आप बना लेगा ना ये होगा तुम्हारा 12th क्लास सेशन का करंट का फॉर्मूला उस पे गए यूज किया हुआ इमेज मिटाते हैं उसको मिटाएं